HAHA right. स्वागत है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया उनको सवाल उड़ा करके सम्मानित करेंगे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी

राज्य मंत्री आदरणीय अजय भाड़ी जी से आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर के उनका स्वागत करेंगे उनका अभिनंदन करेंगे भारत माता की अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत संबोधन हेतु तो, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आकर के अपना उद्बोधन करेंगे श्री पुष्कर सिंह धामी जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद विजय संकल्प रैली जसपुर से लेकर खटीमा तक के सभी आए हुए भाई बहनों के बीच में आज हम सब लोग देश के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर विराजमान नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड सरकार के मंत्री और गदरपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय अरविंद पांडे जी हमारे किच्छा विधानसभा के प्रत्याशी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी नानक माता विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी सितारगंज के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सौरभ बहुगुणा जी मंच पर उपस्थित रुद्रपुर विधानसभा के हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय शिव अरोड़ा जी जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में वहाँ के प्रत्याशी आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंगल जी काशीपुर क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी आदरणीय तिलोक सिंह चीमा जी एवं मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय बलराज पासी जी सभी पदाधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी आए हुए भाइयों एवं बहनों पत्रकार मित्रों छायाकार बंधुओं माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं मैं आप सब की तरफ से जो उत्तराखंड का हमारा ये औद्योगिक नगर है और सच कहूँ तो ये हमारा पूरा ऊधम सिंह नगर एक लघु भारत जिसमें दिखता है लघु भारत की आत्मा जहाँ निवास करती है आपके रुद्रपुर पधारने पर मैं आप सब की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम हुआ है पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के सपूत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों आप सबको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान अगर यह महामारी किसी और में आई होती जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की जगह अन्य कोई और होता तो यह वैक्सीन जो हमको छह महीने के अंदर मिल पाई ये वैक्सीन मिलने में पंद्रह बीस साल लग जाते भाइयों बहनों और मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ लोगों की रक्षा के लिए रात दिन प्रयास करने के बाद हमको वैक्सीन मिल पाई हमको सुरक्षा का कवच मिल पाया और यह वैक्सीन जिसकी कीमत सत्रह सौ पचास रुपये होती है एक बार मुफ्त में लगाने का काम हुआ दोबारा दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में अब मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है भाइयों बहनों देश की अस्सी करोड़ जनता को कोई भूखा न रहे बिना भोजन के न रहे किसी को खाली पेट न सोना पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई भाइयों बहनों हमारे उत्तराखंड के भी साठ लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिला है सीधे सीधे उनके घरों में अन्न है। ऐसे अनेकों कार्य मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं उधम सिंह नगर की जनता की तरफ से कि आपने यहीं बगल में हमारे इच्छा क्षेत्र में एम्स का दूसरा सेटेलाइट सेंटर भी दिया है भाइयों बहनों जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था अब हमको उसकी सुविधा यहीं पर मिलने वाली है आपके आप से हमने अनुरोध किया था कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जिसकी मांग कई दशकों से चल रही थी और पता नहीं न जाने कितने लोग इस मांग को करते करते हमारे बीच में से भी चले गए किसी ने कभी सुनवाई नहीं करी इस सुनवाई को भी करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों और बहनों अनेकों कार्य है मैं अगर इनको गिनाऊंगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितना लोगों को मिला है हम अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं पांच लाख रुपए का सुरक्षा कवच हर किसी को देने का काम किया है जितने कोरोना महामारी में सारे के सारे अस्पतालों में आज अवस्थापना सुविधाएं चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो ऑक्सीजन के सिलेंडर हो कंसेंट्रेटर हो बुनियादी सुविधाएं हो उत्तराखंड के हर अस्पताल में आपके आपके आशीर्वाद के कारण से हर अस्पतालों में सुविधा हुई है भाइयों बहनों आपके द्वारा अनेकों कार्य हुए दो हजार चौदह के बाद आप यही खटीमा से जब हम रुद्रपुर आते थे रुद्रपुर से रामपुर जाते थे रुद्रपुर से काशीपुर जाते थे या काशीपुर से हम दिल्ली जाते थे तो आपने किस तरह की सड़कें होती थी और आज किस तरह की सड़कें हो गई है भाइयों बहनों अनेकों कार्य मानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है आप सबके आशीर्वाद से मैं भी आप सबके जनपद का निवास करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ आपके आशीर्वाद से मुझे, मुझे मा 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 करने का अवसर मिला छह माह के कालखंड में हम लोगों ने हर क्षेत्र में हर किसी के लिए चाहे हमारे बंगाली भाइयों का मामला हो चाहे यहाँ पर रुद्रपुर में बसने वाली नजूल की भूमि के समस्या का हल हो या हमारे मलिन बस्तियों का एक्ट लाने का मामला हो सारे के सारे मामले भाइयों बहनों आप सबके आशीर्वाद से समाधान की ओर गए हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमने आप सब के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ संकल्प लिए हैं भाई बहनों हमने ये संकल्प केवल घोषणा पत्र के रूप में नहीं हम राज्य के अब नई सरकार में आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार बनेगी सभी गरीब घरों में एक वर्ष के लिए तीन एल के सिलेंडर निःशुल्क में देने का काम हमारी सरकार करेगी भाइयों बहनों उत्तराखंड की गर्भवती बहनों के लिए चालीस हजार रुपये अनुदान का देने का काम भी सरकार करेगी हमारे जो सभी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जो आज हम पंद्रह सौ रुपया वृद्धावस्था पेंशन देते हैं इसको क्रमवार रूप से छत्तीस सौ रुपये हमारी सरकार करेगी सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा एक लाख रुपये से तर्ज पर एक लाख रुपये तक के कर्ज को माफ किया जाएगा लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसको और कठोर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी और दोषियों को 10 साल तक का भी कारावास देगी भाइयों बहनों हम उत्तराखंड के युवाओं के लिए पचास हजार सरकारी नौकरी देंगे और इनमें से चौबीस हजार नौकरी सत्ता में लौटते ही उपलब्ध कराई जाएगी भाइयों बहनों आज मैं एक संकल्प और लेना चाहता हूँ आज मैं आपके सामने एक संकल्प लेना चाहता हूँ कि हम उत्तराखंड के लिए चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है उत्तराखंड हमारा दो दो विदेशी से विदेशी सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है इस प्रदेश के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू करेंगे भाइयों बहनों इसके लिए इसके लिए नई भाजपा सरकार के गठन होते ही उसके शपथ ग्रहण के बाद हम प्रबुद्ध नागरिकों के साथ विधि विशेषज्ञों के साथ शिक्षाविदों के साथ जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विशेषताएं प्राप्त की है उन सब का सहयोग लेकर एक ड्राफ्ट करेंगे एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और नई सरकार के आते ही वो ड्राफ्ट भाइयों बहनों उत्तराखंड के अंदर लागू होगा जैसे गोवा में लागू है जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी समय समय पर सरकारों को लगातार चेताने का और लगातार नाराजगी व्यक्त करने का काम किया है उत्तराखंड देवभूमि है ये वीर भूमि है ये सैनिकों की भूमि है इस भूमि से ये किसानों की भूमि है हम इस भूमि से इस कानून को लागू करेंगे भाइयों बहनों मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूँ आज तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है जहाँ आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वर्ग के लिए काम हो रहा है हर क्षेत्र के लिए काम हो रहा है आप अस्पताल खोल रहे हैं स्कूल खोल रहे हैं बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं बड़े बड़े रेलवे बना रहे हैं हवाई अड्डे बना रहे हैं गरीबों को राशन उपलब्ध करवा रहे हैं इसमें किसी जाति धर्म का कोई भी जो है स्थान नहीं है आपका मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं हम भी आपके नेतृत्व में आपके निर्देशन में आप सबकी सेवा के लिए रात दिन जितना हमारे में प्राण है जितनी हमारे में शक्ति है लगातार काम करने का काम कर रहे हैं और हम किसी को इस आधार पर काम नहीं कर रहे हैं कौन किस धर्म का है कौन किस वर्ग का है भाइयों बहनों वही दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर क्या कर रही है एक तरफ जहां इस प्रकार के सार्वजनिक काम हो रहे हैं सब वर्गों के लिए काम हो रहे हैं वही कांग्रेस पार्टी जो उन्नीस के बाद लगातार इस देश के अंदर एक ही काम करती रही है वो काम करती रही है तुष्टिकरण को बढ़ाना और केवल वोटों की सौदेबाजी करना और आज भी एक एक वोट बैंक को साधने के लिए एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए भाइयों बहनों तुष्टिकरण का फिर से जाल बिछाना शुरू कर दिया है जहां उत्तराखंड देवभूमि में मोदी जी के नेतृत्व में केदार बाबा को सजाया जा रहा है बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो रहा है मानस खंड बनाया जा रहा है यहां पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं स्कूल बनाए जा रहे हैं और आप कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे भाईयो बहनों आपको इसका प्रतिकार करना है और ये प्रतिकार आपके वोट के रूप में होगा मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के पास न नेता है नीति है ना कोई विकास की नियत है कांग्रेस उत्तराखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का वो जैसे कि निश्चय कर बैठी है भाइयों बहनों उत्तराखंड की उत्तराखंडियत की बात करने वाले उत्तराखंड बनाने का विरोध जिन्होंने किया था आज कहते हैं उत्तराखंडियत है मैं आपसे कहना चाहता हूं चूंकि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं भाइयों बहनों में आपका समय नहीं लूंगा मैं एक बात कहते हुए कि अब एक दिन के बाद कल के बाद चौदह फरवरी आ जाएगी और चौदह फरवरी के दिन आपका एक एक वोट उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला होगा आपका एक एक वोट पूरे उधम सिंह नगर और पूरे के के ज्यादा काम करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा भाइयों बहनों प्रातः काल से ही आप सब लोगों ने अपने नातेदारों को अपने रिश्तेदारों को जानने वालों को पहचानने वालों को आपने सबसे कहना है प्रातः काल से कमल का बटन दबवाना है भाइयों बहनों और, और सवेरे से लेकर शाम तक इतनी बार कमल का बटन दबवाना है कि बटन दबाते 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 वो बटन ही अंदर चला जाए और जब 10 मार्च को रिजल्ट निकले ये जितने भी सारे काम हैं ये सारे काम तभी संपन्न होंगे जब भाइयों बहनों लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी ना झाड़ू में आएंगी ना हाथी में आएंगी ना साइकिल में आएंगी और हाथ के पंजे में तो कतई नहीं आएंगी लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल में आएंगी इसलिए भाइयों बहनों कमल के फूल वाला बटन दबाना है लक्ष्मी जी को लाना है मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हम सबको अपना संबोधन दें भारत माता की भारत माता की जय मां नैना देवी मैं मानस खंड की पवित्र भूमि से मां पूर्णागिरी देवी चैती देवी मोटेश्वर महादेव और पंच मंदिर को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ मैं रीठा साहिब और नानक मत्ता साहब को आज सर झुका करके प्रणाम करता हूँ यहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे उनके चरणों से ये धरती पवित्र हुई है मैं वीर उधम सिंह जी को भी नमन करता हूं जिनके नाम पर उधम सिंह नगर जिला बसा है आजादी के अमृत महोत्सव में उधम सिंह जी जैसे शहीद देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है आप हम सभी को अपना स्नेह देने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए हो मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं देवभूमि के आप सब लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं साथियों उधम नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखती है हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां के लोग यहां नहीं रहते हो यहाँ अपना भाग्य अजमाने नहीं आते हो आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवन तस्वीर है आपने आज उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी है एक प्रकार से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरी उत्तराखंड में इस चुनाव अभियान की आखिरी प्रचार सभा आपके आशीर्वाद के साथ पूरी होने वाली है मैं आज देख रहा हूं पूरे रास्ते भर और यहां पर भी आज जो मैं उत्साह उमंग आप लोगों में है इसे देख कर के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सभा सुनने नहीं आए हैं आप तो मुझे चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं चौदह फरवरी को आपको पूरे उत्तराखंड को घर से जरूर निकलना है कमल के निशान पर बटन दबाना है साथियों कोरोना महामारी के चलते शुरू में लग रहा था कि इस बार इस तरह से रैली करना संभव होगा कि नहीं होगा लेकिन देश की ताकत उत्तराखंड के लोगों की ताकत ने आज इस रैली को सच करके दिखाया है ये इसलिए ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड के पास वैक्सीन की सुरक्षा कवच है हमारे उत्तराखंड ने रिकॉर्ड समय में शत प्रतिशत आबादी का सिंगल डोज वैक्सीनेशन करके दिखाया है मैं इस जागरूकता और निष्ठा के लिए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को हृदयपूर्वक बहुत, बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपके युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को उनकी पूरी सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं उन्होंने वैक्सीनेशन का काम गांव गांव घर घर पहुंचाया कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पहुंचाया धामी जी के काम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे कि दूर सुदूर पहाड़ों में इतनी ऊंचाइयों पर वैक्सीन तो पहुंच ही नहीं सकती है आपको मालूम है ना? ऐसी बातें कौन करते थे जानते हो ना आप लोग ये निराशा से भरी हुई बातें किसकी होती थी आप इन लोगों को भली बात ही पहचानते हो ना ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया लगातार बदनाम किया ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लोकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे साथियों आप एक बात और सोचिए वैक्सीन तो सबके लिए होती है फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड में फिर से भाइयों बहनों ये ऐसे विकृत रा, भि, राजनीति वाले लोग हैं कि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरों का बुरा सोचते हैं बुरा देखते हैं ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता है भाइयों बहनों वो तो नहीं चाहते थे वैक्सीन लग, जा, लग जाएगी तो फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मसूरी नैनीताल यात्री आना शुरू हो जाएंगे टूरिस्ट शुरू हो जाएंगे तो फिर उनकी राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी और इसलिए वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े आप ऊधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे फिर ये भारत को बदनाम कैसे करेंगे लेकिन ये लोग उत्तराखंड का सामर्थ्य भूल जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये दशक ये दशक उत्तराखंड का दशक है ये दस साल उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज जो 18 साल के नौजवान है बहने बेटियां हैं उनके लिए ये 10 साल उनकी जिंदगी का भी महत्वपूर्ण अवसर होता है हमारा देश हमारा उत्तराखंड ऐसे लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं है आज उत्तराखंड में पर्यटन रोजगार फिर से पटरी पर लौटने लगा है उधम सिंह नगर के उद्योगों ने फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी है साथियों सौ साल में सौ साल में ऐसी महामारी दुनिया ने नहीं देखी है पूरी मानव जात दो साल से इस महामारी ने उसको अपनी चपेट में लिया हुआ है भाइयों बहनों भारत में हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि कोरोना की वजह से तबाही कम से कम हो हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है उसे विशेष तौर पर इस संकट के समय में ढाई लाख करोड़ रुपए की मदद की गई ढाई लाख करोड़ रुपए एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत सरकार की इस योजना के कारण एमएसएमई को समय पर मदद मिलने के कारण लाखों एमएसएमई इस कोरोना के कारण बंद होने की कगार पर थे ये लाखों एमएसएमई बच गए और लाखों लोगों का रोजगार भी सुरक्षित हो गया हमारी सरकार ने जो एमएसएमई की परिभाषा बदली है उसका भी लाभ यहां के छोटे उद्यमियों को हुआ है साथियों कोरोना के इस काल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास को भी रफ्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की है इतना बड़ा संकट आया सौ साल की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी आई लेकिन यहां के तराई के क्षेत्र से लेकर पहाड़ों पर बसे गांवों तक हमारी सरकार ने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया हमने चिंता की कि गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए आज भी हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और मैं तो देख रहा हूं कभी कभी मैं सोशल मीडिया में कभी नजर करता हूं तो उत्तराखंड के दूर सुदूर गांवों की गरीब महिलाएं खेत में काम करती हो रास्ते से गुजर रही हो सर पे बोझ झोया हुआ हो और कोई पूछ ले चुनाव के विषय में और वो जिस प्रकार से मोदी को आशीर्वाद देती है मैंने अभी तो एक माँ की वीडियो देखी वो वीडियो मेरे दिल को छू गई उत्तराखंड के किसी दूर सुदूर गांव से वो माँ बोल रही थी यहाँ की लोकल भाषा में वो बोल रही थी उसने कहा कि हमने हमारे बच्चों को नौ महीना हमारे पेट में पाला बड़े होकर वो अपने अपने में खो गए लेकिन ये मोदी है जो हमें हमारी चिंता करता है हमारा बेटा सच्चा अगर कोई है वो मां कह रही है कि अगर मेरा कोई सच्चा बेटा है तो वो मोदी है भाइयों बहनों माताओं बहनों के इतने आशीर्वाद माता बहनों का इतना बड़ा सामर्थ्य अगर आज मोदी के साथ खड़ा है तो मोदी जी जान से माताओं बहनों के कल्याण के लिए उत्तराखंड के कल्याण के लिए उत्तराखंड के नौजवानों के कल्याण के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा भाइयों बहनों कोरोना के कारण पर्यटन प्रभावित होने की वजह से जिन लोगों पर असर पड़ा था उनके लिए भी धामी जी की सरकार ने आर्थिक सहायता भी जारी की आज गरीब मजदूर ये कह रहा है महिलाएं कह रही है अगर कांग्रेस के शासन काल में ऐसी महामारी आती तो न जाने क्या होता मैं भी आपसे पूछता हूं ये मुफ्त राशन या पहले की सरकार होती तो ये मुफ्त राशन आप तक पहुंचता क्या पहुंचता क्या पहुंचता क्या कहीं और बिक जाता कि नहीं बिक जाता घोटाला करते कि कर नहीं करते उत्तराखंड की बहनों को जो मुफ्त सिलेंडर मिले आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के इतने साल के बाद भी क्या वो रहते तो आपको ये पहुंचता क्या पहुंचता क्या उत्तराखंड की लाखों बहनों के बैंक खाते में जो रुपये भेजे गए क्या ये कांग्रेस के लोग होते तो बैंक के खाते खुलते क्या खुलते क्या ये खातों में पैसे आते क्या ये पैसे आपके काम आते क्या भाइयों बहनों सरकार के खजाने से निकल जाता आप तक नहीं पहुंचता कहीं बाहर चला जाता उत्तराखंड के हजारों किसानों के बैंक खाते में आज साल में तीन बार भारत सरकार की तरफ से सीधे पैसे पहुंच रहे हैं क्या कांग्रेस के जमाने में कोई सोच सकता है कि किसी के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाए भाई और बहनों कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है चुनाव में वादे करो बड़े बड़े वादे करो सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं घोटाले करो भ्रष्टाचार करो चुनाव आए तो फिर नए वादे करो इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं चालीस साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं गरीबों को गरीबी में और नीचे धकेलने के लिए करते रहते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि वो गरीबी नहीं गरीबों को ही हटाने में लगे रहते हैं दशकों तक इन लोगों ने पहाड़ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गरीबों को पलायन के लिए मजबूर किया गरीबों को पक्का घर गर। गरीब बहनों को गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन टॉयलेट की सुविधा नल से जल की सुविधा ऐसी मूल सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार ही आपके लिए काम कर रही है माताओं बहनों इन सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभ हमारी उत्तराखंड की माताओं को हमारी बहन बेटियों को हो रहा है साथियों उत्तराखंड के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे धामी जी की सरकार ने यहां नई सड़कों का रिकॉर्ड बनाया है चार धाम प्रोजेक्ट के तहत ऑल वेदर रोड का काम भी पूरा होने वाला है इसका लाभ पर्यटन और उद्योग दोनों ही क्षेत्र को मिलेगा केदार खंड की तर्ज पर ही कुमाऊ क्षेत्र के लिए मानस खंड का विकास करने का संकल्प धामी सरकार ने लिया है टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन इसके जरिए उन इलाकों में भी रेल पहुंचाने जा, पहुंचने जा रही है वहां पहले लोग शायद इसके विषय में सोच भी नहीं सकते थे कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक इस परियोजना को लटकाए रखा था हल्द्वानी, कांठ गोदाम और लाल कुआ में तेईस करोड़ रुपए की लागत से बाईपास भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ के नागरिकों को गति भी मिले और बाकियों को सुविधा भी मिले रामपुर से रुद्रपुर के बीच फोर लेन सड़क का भी काम जल्दी ही पूरा होने वाला है इस क्षेत्र को हरिद्वार और देहरादून से जोड़ने के लिए नगीना हरिद्वार और नगीना काशीपुर के बीच फोर लेन हाईवे भी बन रहे हैं यहाँ नगर एयरपोर्ट को भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है यही फर्क है हमारी और उनकी सोच में उनकी सरकार ने उत्तराखंड को सड़कों से वंचित रखा वो कहते थे पहाड़ी राज्य में आधुनिक हाईवे कैसे बनेंगे हम यहां हाईवे भी बना रहे हैं रेलवे से भी जोड़ रहे हैं और एयरपोर्ट का भी विकास कर रहे हैं इस बार के बजट में पर्वतमाला परियोजना की घोषणा भी की गई जहां सड़क चाहिए वहां सड़क बनेगी जहां सड़क नहीं बन सकती वहां रॉप पे बनेंगे उत्तराखंड के बहनों भाइयों को हम हर हाल में हर जरूरी सुविधा पहुंचाएंगे साथियों उत्तराखंड में फूलों की खेती भी इसकी अपार संभावना है वैली ऑफ फ्लावर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है और अब हम वहां गुरुद्वारा तक जाने के लिए रोप पे बनाने की दिशा में हम आज काम कर रहे हैं भाइयों बहनों जो पहाड़ के किसान हैं उनके लिए भी ये फूलों की खेती के साथ अनेक अवसर जड़े हुए हैं भारत का शहद मधु हनी अब विदेशी बाजारों में भी आसानी से पहुंच रहा है इसलिए मधुमक्खी पालन शहद हनी का उत्पादन में कमाई का नया जरिया किसानों के लिए उपलब्ध हो रहा है बीवैक्स की भी बहुत मांग है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी चला रहा है इसका भी लाभ ये उत्तराखंड के ये हिमालय की पहचान वाले इलाकों के लोगों को इसका विशेष लाभ मिलने वाला है और देखना देखते ही देखते दुनिया में इसकी एक नई पहचान बनने वाली है देहरादून के सेला कु में सुगंध पौधों का एक केंद्र की शुरुआत भी की गई है इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सिडकुल द्वारा काशीपुर में एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है एरोमा पार्क भी यहाँ के लोगों के यहाँ के नौजवानों के लिए नए उद्योग का क्षेत्र बनने वाला है सितारगंज के सिरकुल में 40 एकड़ में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है साथियों ये आपके बीच आकर झूठ का चौगा लगा रहे हैं लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि उत्तराखंड में गोटाले के चौके छक्के लगाते रहे ऐसा ही उनका चरित्र है ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था ये लोग माँ गंगा को भी लूटने में लगे हुए थे और यही उनमें और हमारे में फर्क है हम मां गंगिया की स्वच्छता के लिए काम करते हैं ये गंगा पर भी हाथ चाला की करके वहां की रेत में से खनन करके रुपयों की चोरी करने में लगे रहते हैं उद्धम सिंह नगर जिले में नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए सत्रह नालों को बंद करने का काम भी किया जा रहा है इन नालों के पानी को साफ करने के लिए करोड़ों की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जा रहे हैं भाइयों बहनों भाजपा और उत्तराखंड के बीच का रिश्ता ये हमारी विरासत है अटल जी ने उत्तराखंड बनाया और उनके प्रयासों से उधम सिंह नगर और इस इलाके में नए उद्योग आए हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क से उन उद्योगों की ताकत और आगे बढ़ा रहे हैं अटल जी ने ऋषिकेश के लिए एम्स दिया था हमने उधमसिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलकर सेवा का विस्तार किया है भाइयों। इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था अब यही बेहतर इलाज होगा उसकी हर सुविधा मिलेगी हम उत्तराखंड में चार और मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं पांच नए डिग्री कॉलेज का काम भी प्रगति पर है साथियों ये मेडिकल कॉलेज बनने के कारण ये अन्य डिग्री कॉलेज बनने के कारण गरीब का बेटा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको अपने ही राज्य में डॉक्टर बनने की सुविधा बनेगी इतना ही नहीं हमने तो ये भी कहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग लोगों को उनकी भाषा में पढ़ाना चाहिए ताकि अंग्रेजी के अभाव में वो बच्चा गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक न जाए ये काम हम कर रहे हैं विकास के कामों को लेकर कुछ लोग भाजपा की डबल इंजन सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं ये लोग अपने समय की लूट खसोट और भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं अचानक उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति भी याद आने लगी है जिन लोगों को देश की विरासत कभी समझ नहीं आई जिन लोगों ने कभी मां भारती की रक्षा के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान नहीं किया वो आज संस्कृति की बातें कर रहे हैं अरे इतने सालों तक राज किया मेरे इस क्षेत्र में लाखों बंगाली परिवार रहते हैं बंगाली परिवारों ने जिंदगी अपनी यहां लगा दी है लेकिन देखिए हिंदुस्तान के लोग भी ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे आजादी के बाद से लेकर के हमारे बंगाली भाई बहन यहां रहते हैं लेकिन उनके पहचान पत्र में एक लिखा हुआ रहता था पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे बंगाली भाई उनको मैं माँ भारती का बेटा हूं ये हक पाने के लिए लड़ते रहना पड़ा मैं धामी जी की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे बंगाली भाइयों के इस हक को स्वीकार किया और पूर्वी पाकिस्तान जो लिखा गया था पहचानों में उसको हटाने का काम कर दिया भाइयों बहनों इन लोगों ने आज संस्कृति याद आ रही है विरासत याद आ रही है अरे जरा देखो हमारे गुरुओं ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है गुरु गोविंद सिंह जी ने आदर्शों के लिए मूल्यों के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया वीर साहिब जादव का बलिदान हिंदुस्तान के बच्चों बच्चों को आने वाली सदियों तक प्रेरणा देने की ताकत रखता है लेकिन उसे भी बुला दिया गया उन्हें वीर साहिब जादव का बलिदान भी कभी नजर नहीं आया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं क्या तृष्टिकरण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना देवभूमि की संस्कृति को ताकत देने वाली है क्या मां गंगा का अपमान देवभूमि की संस्कृति का अपमान क्या आप लोग सहन करेंगे ये अपमान सहन करेंगे आप देखिए इसी धरती के संतान और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई न कोई परिवार जन फौज के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार न हो उस सेना के सेनापति को इसी धरती के संतान बिपिन रावत जी को ये लोग क्या कहते थे मालूम है वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिए थे सेना के जवान का यह अपमान ये सिर्फ बिपिन रावत का अपमान नहीं है सेना के यूनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो मेरे उत्तराखंड का एक एक नौजवान जो सेना में है उन हरेक दिल को चोट पहुंचाते हो उनके परिवार जनों के दिल को चोट पहुंचाते हो जो लोग उत्तराखंड की पहचान को ही खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं वो लोग उत्तराखंड की संस्कृति की सबसे बड़ा खतरा है बहुत पुरानी कहावत है भाइयों मुंह में राम बगल में छुरी और ये तो लोग ऐसे हैं कि उनके मुंह में कभी राम तो निकलता ही नहीं है लेकिन उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और अपने अभी सुना होगा एक ये कांग्रेस ये अब भारत को भी राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है बताइए आप मुझे बताइए उत्तराखंड की इस वीर धरती के घर घर से सेना में नौजवान जाते हैं देश की हिफाजत के लिए जाते हैं देश के लिए मर मिटने के लिए जाते हैं वो सिर्फ उत्तराखंड की सीमाओं पर नहीं बैठते वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं नॉर्थ ईस्ट हो गए तो, तो उसके वहां दिखेंगे जम्मू कश्मीर देखो तो वहां दिखेंगे ले लद्दाख देखो तो वहां दिखोगे गहरे समंदर में देखोगे तो मेरे उत्तराखंड के नौजवान दिखेंगे भाइयों बहनों हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है हिंदुस्तान की सीमा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी रक्षा में कहीं ना कहीं मेरे उत्तराखंड का नौजवान न हो हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियां न हो उत्तराखंड की माताओं की दशकों की तपस्या को न... नकार देने का अधिकार इन कांग्रेसियों को किसने दिया भाइयों बहनों भारत एक है यह देश एक है हिंदुस्तान एक है इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ का बच्चा केरल के अंदर समुद्री तट पर बैठ करके मां भारती की रक्षा का काम करता है भाइयों क्योंकि यह देश उसके दिल में देश बसा हुआ है और कांग्रेस वाले कहते हैं राष्ट्र है ही नहीं जो लोग भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते हो राष्ट्र की भावना का अपमान करते हो राष्ट्र के लिए शहीद होने वाले वीरों का अपमान करते हो वो लोग उत्तराखंड को तबाह करने के इरादे से यहां आए हैं उत्तराखंड की सेवा तो आप तभी कर पाएंगे जब आप में इस धरती के लिए आस्था हो ये आस्था भाजपा को है ये धरती हमारे ऋषि मुनियों की धरती है हमने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि भाजपा सरकार देवभूमि देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा करेगी मैं उत्तराखंड के हर विरोधी को डंके की चोट पर कह रहा हूं उत्तराखंड के देवत्व के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे भाइयों और बहनों चौदह तारीख को आपको उत्तराखंड में तुष्टीकरण के मनसूबों को चूर चूर कर देना है करारा जवाब देना है ये सपने हमेशा के हमेशा उनके चूर चूर हो जाने चाहिए आने वाली चौदह तारीख को आपको कांग्रेस के हर झूठ फरेब षड्यंत्रों को जवाब देना है और साथियों आपको याद रखना है कि पूरे देश में कांग्रेस को लोग लगातार नकार रहे हैं और आज से ही नहीं दशकों से देश के अलग अलग राज्यों में यही हो रहा है मैंने अभी संसद में भी इस बारे में विस्तार से बताया था एक बार जिस राज्य के लोगों ने कांग्रेस को बाहर निकाला वहां दोबारा घुसने नहीं दिया बंगाल के लोगों ने पचास साल हो गए पचास साल कांग्रेस को पैर रखने नहीं दिया है कांग्रेस को वहां से खदेड़ा है उसके बाद बंगाल में कभी कांग्रेस वापस नहीं आ पाई तमिलनाडु में छह दशक से वहां के लोगों ने कांग्रेस को वहां की सरकार को वापस नहीं करने दिया है त्रिपुरा हो उत्तर प्रदेश हो बिहार हो गुजरात हो ऐसे अनेक राज्य हैं जहां तीन तीन चार चार दशक हो गए एक बार कांग्रेस गई मतलब गई भाइयों बहनों बहुत से राज्यों ने कांग्रेस से कह चुके हैं कि आजादी के बाद आपको बहुत समय दे दिया काम करने का अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते आपके वादों पर भरोसा नहीं कर सकते अब हम आपको घुसने नहीं देंगे उत्तराखंड के पास भी अवसर है कि वो भी कांग्रेस को यहां से बेदखल करें उत्तराखंड के पास आज जब भाजपा जैसा भरोसेमंद सेवक है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड से विदा करेंगे साथियों 14 फरवरी को भाजपा के पक्ष में दिया गया एक एक वोट एक नया इतिहास बनाएगा आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार कर व्यक्त करता हूं मेरी और एक बात याद जरूर रखिएगा। पहले मतदान फिर जलपान आपको आपने तो वोट करना है अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी वोट करवाना है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी सबका धन्यवाद मुख्यमंत्री जी भी साथ रहे माता की